नारायण स्टूडियो अजीतगढ़ करके बनमा आगे बढ़ते हैं। ताड़का खड़ी होकर के मुंह फाड़ करके राम लखन के समीप आती है। सारंग धनुष आपके हाथ में उठाता है और जो हमारे इंद्राज जी चल करके मंच पर आए हैं, जिन्हें बारू बार धन्यवाद और जिनका ताली बजा करके स्वागत करें, जो समय निकाल करके अपने बीच में आए हैं, जिन्हें बारू बार धन्यवाद। और जो आदमी प्रसादी नहीं पाइए वो आराम से प्रसादी पाए, महाराज का भंडारा अब तक चालू है। राम भगवान खड़ा होकर के सारंग धनुष हाथ में उठाता है और सारंग धनुष हाथ में उठा करके सामने आई हुई ताड़किया का वध करता है और ताड़किया का वध कर करके खड़ा होता है। जब खड़ा खड़ा विश्वामित्र मन में पहचान जाता है कि राम भगवान तुम्हारा कहना सदा सदा के लिए ठीक है। अब तो मेरी भी काया में विश्वास आ सकता है कि वन में जाकर के तुम अवश्य दैत्यों को मार करके मेरे यज्ञ को पूरा कराओगे। ऐसी बात मन में विचार करके विश्वामित्र खुशी मनाता है, राम और लखन को आपके साथ में लेता है और वाहनक वन की तरफ चलता उस स्थान पर चले जाते हैं जहां पर विश्वामित्र बैठ करके आपका यज्ञ चालू कर रखा था। जाकर के वो यज्ञ का आहुतान दिखाता है, बनाई हुई वेदी दिखाता है कि यहाँ होता बैठ करके आहुति दिया करते थे, यहाँ तरह तरह से अनेक प्रकार से मैंने यज्ञ किया, चार बार यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन चारों ही बार में मेरा यज्ञ को दैत्य विध्वंस कर दिया है। ये देख करके राम भगवान वेदी के समीप जाकर के इधर उधर देखना शुरू करता है कि गुरु जी तुम्हारा कहना ठीक है, ये वाहनक बन है, वन के अंदर तरह तरह के दैत्य तैयार होकर के आते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम तनिक भी मत घबराओ। एक स्थान पर जाकर के पेड़ के नीचे बैठता है और पेड़ के नीचे बैठ करके खड़ा गुरु विश्वामित्र से भगवान राम कहता है क्या कह रहा है। नारायण स्टूडियो अजीतगढ़। अरे तेरी मर्जी वो
तो जाए काराया छे रामायण को Subscribe, share, comment.